एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनी स्टार किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दाल तड़का की रेसिपी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर चने की दाल ली हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बन करके ये तैयार होता है और बहुत ही जायकेदार। आप एक बार मेरे तरीके से बना के ट्राई कीजिएगा। हर किसी का फ्रेंड्स अपना अपना तरीका होता है बनाने का। तो देखिए, यहाँ पर मैं इस वाले कप से मेजर करके एक कप ली हूँ। आप किसी भी बाउल या गिलास से मेजर करके ले सकते हैं। और अब इसको अच्छे से पानी से 4 से 5 बार अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे, या फिर अगर आपके पास टाइम हो तो इसको भिगो करके छोड़ दें 2 घंटे के लिए, नहीं तो फिर आप एंड टू एंड ही इसको वॉश करके बना सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर इसको अच्छे से 4 से 5 पानी से इसको धो ली हूँ। और अब इसमें 1 कप पानी डालेंगे और अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून के आसपास। और इसमें ज़्यादा भी कुछ भी नहीं डालेंगे। और यहाँ पर 1 बड़ी इलायची है, 1 छोटी इलायची है, 2 से 3 तेज़पत्ता है और 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का है और 4 लौंग है और 4 से 5 काली मिर्च है। और इसमें अब 1 चम्मच घी डालेंगे या फिर आप सरसों का ऑयल भी डाल सकते हैं। और इसको डाल करके लीड को लगा देंगे और अब 1 सीटी आने के बाद इसको 10 मिनट तक लो फ्लेम पे छोड़ देंगे तो दाल अच्छे से कुक हो जाएगा। इसको ज़्यादा नहीं गलाना है, बिल्कुल मतलब ये खड़ा खड़ा रहना चाहिए, मैसी मैसी सा हो जाता है तो इससे जो है ना दाल का टेस्ट बेकार हो जाता है, अच्छा नहीं बनता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं 1/2 कप ऑयल ली हूँ सरसों का। आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं। और इसमें मैं 1 लाल मिर्ची और 1/2 चम्मच इसमें जीरा डाली हूँ, साबुत जीरा। और 1 मीडियम साइज के प्याज को बारीक बारीक आप चॉप कर लें। जीरा डालने के बाद इसको 5 मिनट तक जीरा को अच्छे से फ्राई होने दें ऑयल में, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। और फिर प्याज को डालें और प्याज को बिल्कुल लाल होने तक इसको फ्राई कर लें। और अब इसमें 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट को मिक्स करके आप इसमें डाल दें और इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लें पानी को सूखने तक। और अब देखिए, यहाँ पर मैं सारे सूखे मसाले ली हूँ। नमक 1/2 चम्मच, 1 चम्मच है धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्ची है और 1 चम्मच ही कश्मीरी लाल मिर्च है। इससे जो है ना कलर बहुत ही अच्छा आता है, तो आप अगर डालना चाहते हैं तो आप इसको डाल दीजिए कश्मीरी मिर्च को, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और सारे मसाले को डालने के बाद अब इसमें मैं 2 मीडियम साइज का टमाटर को ग्रेट करके ली हूँ। इससे जो है ना टमाटर का जो स्किन है वो निकल जाता है और ये मसाले में अच्छे से घुल जाता है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बस अब सारे मसाले को मिक्स करके इसको ढक करके 10 मिनट तक कुक होने देंगे अच्छे से, और अच्छे से मसाले को भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डाली हूँ और इसको इस तरह से अच्छे से हिलाते हुए मिक्स कर लेंगे और अब इसको ढक करके अच्छे से पकने देंगे। फ्रेंड्स, ये दाल इतनी टेस्टी बनती है, आप अगर इस तरीके से एक बार बना लेंगे ना तो आप बोलेंगे शायद ये मुझे ये रेसिपी पहले क्यों नहीं पता थी, ये बहुत ही अच्छी बनती है। आप इसको रोटी के साथ, पूड़ी के साथ, पराठे के साथ या चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यम्मी ये दाल तड़का बन करके तैयार होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दाल भी देखिए अच्छे से कुक हो चुका है, बस इतना ही कुक करना है दाल को। देखिए ये कितना अच्छा, एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला हुआ है, बिल्कुल भी ये एक दूसरे से मिक्स नहीं हुआ है। अगर आप इसको ज़्यादा कुक करेंगे ना अगर, तो फिर ये मिक्स हो जाता है तो इससे दाल का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता और खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए इसको आप इतना ही कुक करें। और देखिए, यहाँ पर मसाला अच्छे से भुन गया, आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो रहा है और मसाले में ना जाली जाली सा आने लग जाता है जब मसाला आपका अच्छे से कुक होगा तो, और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आएगी। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल घर के सामान से बनी हुई दाल तड़का की रेसिपी है। इसमें मैं बाहर से कुछ भी नहीं लाई हूँ, या मतलब कुछ भी ऐसा सामान नहीं है जो आप इसमें बाहर से लाके डालें, आपके किचन में ही सारा सामान मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स,
अब इसमें दाल को डाल देंगे और दाल को डालने के बाद इसको 5 से 6 मिनट इसको अच्छे से भूनना है। तो इससे जो है ना दाल का फ्लेवर, दाल में जो मसाले का जो फ्लेवर है वो अच्छे से आ जाता है और दाल की टेस्ट डबल हो जाती है। तो बस आप देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आया है, और आप देखेंगे दाल के साथ जब मसाले अच्छे से भून जाएंगे ना तो ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। आप देखिए, अब दाल देखिए यहाँ पर अच्छे से भून चुका है, तो आपको इसी स्टेज तक दाल को भूनना है और आप दाल का कलर भी देख सकते हैं। तो अब इसमें आप थोड़ा सा, अगर आपके पास कसूरी मेथी हो तो आप आधा चम्मच उसको क्रश करके डाल सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसमें हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल दीजिएगा। देखिए अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड की हूँ, 1/2 कप, आप इसमें गरम पानी ही ऐड कीजिएगा, नॉर्मल पानी, इससे इसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं आता है। और अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला 1/2 चम्मच के आसपास ऊपर से, और अब इसको ढक करके अच्छे से पकने देंगे 5 मिनट तक। तो इसमें जो है ना सारा फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा। तो अगर आप अब तक आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज फटाफट से कर दें। आपको इसी तरह से मेरे चैनल पर अच्छी अच्छी रेसिपी देखने को मिलेगी। और देखिए अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक करके इसको 5 से 7 मिनट तक कुक होने देंगे लो फ्लेम पे। फ्लेम को बिल्कुल भी हाई मत कीजिएगा, और आप एक बार इस तरीके से जरूर ट्राई कीजिएगा, आपकी रेसिपी बहुत ही लाजवाब बनकर के तैयार होगी। दाल तो ऐसी रेसिपी है फ्रेंड्स जो हर घर में बनाया जाता है और लगभग लगभग सभी को पसंद आता है, लेकिन हर किसी का तरीका अलग होता है बनाने का। तो आप एक बार इस तरीके से जरूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है, तो अब गैस को ऑफ कर देंगे। इसी स्टेज पे आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, कलर, टेक्सचर सारा कितना अच्छा, बिल्कुल परफेक्ट बन करके ये तैयार हुआ है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब गैस को ऑफ कर देंगे और चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स